हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कल के ब्लॉग में देखा था, मैं फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ से आ गई थी शाम को, और आते ही हार्ट अटैक लग गया है यहाँ पे ड्राइंग करने में, कलर करने में। उसको ड्राइंग, पेंटिंग ये सब बहुत पसंद है, जो भी आता है अपने हिसाब से करता रहता है, मॉडर्न आर्ट करता रहता है। ये देखिए, आर्ट बनाता रहता है, पानी बनाता रहता है, स्काई ये सब वो करता रहता है। तो ये उसकी ड्राइंग तो चलती रहेगी। फिर रात में और वीडियो नहीं की, और एकदम से मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह। तो आज है शनिवार, शनिवार के ब्लॉग में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो बताइएगा। मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पे देखिए हार्दिक बैठा हुआ है, उठ गया है। मैं उसके लिए सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं उसके लिए आलू भुर्जी और साथ में एक ऑमलेट और रोटी बनाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आजकल हार्दिक खुद से खाने लगा है, मैं उसको सर्व करके देती हूँ और वो खुद से खा लेता है। और अभी साढ़े नौ बजे है अभी, तो उसको आराम से खा लेने देते हैं। और मैं भी अपनी थाली लेके आती हूँ। हाँ, उसको मतलब वो खुद खाता है ना, तो इसलिए उसको सब्जी वगैरह ज़्यादा चाहिए। पहले ही बोला था कि मम्मी आलू की भुजिया मुझे ज़्यादा देना। और हाँ, रात का, और ये देखिए घर की जो मिर्च है ना वो पक चुकी है, दिखाऊंगी आप लोगों को। और एक अचार है, और ये देखिए हार्दिक खा रहा है अपना। और रात की पम्पकिन की सब्जी थी वो लेके आई हूँ। खा पी के हार्दिक को मैंने बोला कि थोड़ा पढ़ो। चलो नहीं, वो पढ़ने के मूड में नहीं है आज, खेलने के मूड में है। घर में रहने का उसे मौका नहीं मिलता है ना, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि शाम को पढ़ना, अभी खेल लो बट शाम को पढ़ लेना। तो आज आर्ट स्कूल है ना, आर्ट स्कूल से आके वो पढ़ेगा। तो यहाँ पे घर में रह हूँ तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें खाने का मन करता रहता है ना। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी दूध बची हुई थी। वैसे हार्दिक के लिए जो दूध लाती हूँ हम, हाफ किलो वो है, बट हाँ हमारे लिए जो दूध आता है अलग से पैकेट वाला, वो थोड़ी सी बची हुई थी। तो निकाल के सोचा एक कप चाय बना लेते हैं, साथ में एक कप और एक कप केक ले रही हूँ। इसके साथ मुझे थोड़ी सी वो बिस्किट वगैरह मिल जाए तो अच्छा लगता है, बट अभी है नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हाँ अभी 12:30 हो गए हैं। मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले हार्दिक को बोला कि खुद ही इन सब की चीज़ों को तुमने ख़राब किया है तो खुद ही समेटो। वो खुद कर रहा है, ये सिखाना भी चाहिए ना। तो वो खुद से ही सोफ़ा वगैरह अच्छे से लगा रहा है साथ में। मतलब ये क्या कर रहा था आप लोगों ने देखा ही है, जंप कर रहा था नीचे इन चीज़ों को गद्दा बना के, एकदम सॉफ्ट बना के ऊपर से जंप कर रहा था। तो अच्छा ही है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बट समेटने के लिए भी मैं उसको खुद ही दे रही हूँ। खुद ही इसने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, गद्दा वगैरह, कंबल वगैरह, पिलो वगैरह सारा ला के, और अभी खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ पर वो टी वी भी देख रहा है टाइम टू टाइम। यहाँ पर कंबल है, सारे सोफ़े के पिलोस है, तो मैं इसको बोल रही हूँ इस मैट को भी ठीक करो, पिलोस है, जो बेड के पिलोस है वो सब सारा कुछ, छोटा मोटा जो भी पिलो होता है घर में है ना, सारा कुछ इसके नीचे है, तो वो ये सब समेट रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है। हार्दिक को मतलब जंप वगैरह बहुत पसंद है, इसलिए तो कराटे क्लासेस में एडमिशन किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल भिगो दिया है, मतलब लंच के लिए। और यहाँ पे हार्दिक अपने टॉयज़ को भी सारे अपनी जगह पे लगा रहा, देख सकते हो इतना सारा कुछ उसने खुद ही किया, सिर्फ मैंने बेडशीट लगाई है, बाकी ये पिलो वगैरह तो खुद ही समेट रहा है, देख ही सकते हो। और ये टॉय भी देख सकते हो। और आज खाने में मैं दाल बना रही हूँ, दाल में थोड़ा सा आलू डाल रही हूँ, और ये चिप्स बना के जो खाते हैं ना केले, वो केला अभी लेके आए थे, तो मैं उसको खाने, और पापड़ पे बनाया खाने के साथ दूंगी, बहुत ही मज़ा आता है ये चिप्स वाले केले, छोटे छोटे और गोल गोल से काट के उसको थोड़े से एकदम, मतलब हाँ वो नहीं करना है कुरकुरा फ्राई नहीं करना है, सॉफ्ट फ्राई करना है, और साथ में एकदम तेल में डुबो डुबो के नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे ही
और इसमें देखिए हाँ आलू जो चिप्स है वो केले की चिप्स बन के रेडी हो गई है। पापड़ आलू दाल सब कुछ रेडी हो गया है यहाँ। हाँ तो हड का खाना पीना हो गया, वो सब आप लोग को नहीं दिखाया तो आप लोग को दिखा देती हूँ उसने रूम को कैसे सेट किया है। बहुत अच्छी तरीके से सेट किया है। अभी मुझसे यहाँ पे पोछा लगाना बाकी है। और आप लोग को बताई थी ना मिर्ची दिखाऊंगी जो मेरे भूत जलोकिया है, वो ऑलमोस्ट सारे भूत जलोकिया पक गए हैं देख सकते हो। और ज़्यादा भूत जलोकिया तो मैंने लोगों में बांट ही दिया आस पड़ोस के लोगों में। और इस टाइप की मिर्च भी लगी है तो बहुत सारे अभी भी है, आप बांट के जितना खाओगे उतना अच्छा रहता है ना। हाँ तो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, देखा है आप लोगों ने। अभी मैंने झाड़ू लगाया पोछा लगाया खाना पीने के बाद, थोड़ा रहता है ना वो सब चावल किचन थोड़ा सा गंदा रहता है, वो रहता है, टाइम हो गया था इसलिए हाडी को खिला ली, मैंने भी खा लिया। और अभी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, किचन भी सब कुछ हो गया है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, 2:30 बजे है अभी, फिर 4 बजे उसके ड्राइंग क्लासेस आर्ट क्लासेस के लिए निकलना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, होप कि गाइस आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।